जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 यानी आज का दिन जो पाकिस्तान आतंकी संगठनों की तरफ से और कश्मीर वैली में जो रहते इस देश में हैं उन देशद्रोहियों की मदद से जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने जो आज 14 फरवरी के दिन जो आतंकी हमला करवाया था उसमें हमारे 45 जवान जो हैं शहीद हो गए थे, मैं आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं पाकिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां पर भी देशद्रोही बैठे हैं उनको ये कहना चाहता हूं, ध्यान लगाकर मेरी बात सुने, ये अर्पण की भूमि है, ये अतर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे इस भारत के लिए, और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियों को कोई गंगा में कान लगाकर सुनेगा तब भी एक आवाज सुनाई दी जाएगी, माता की जय, भारत माता की। और मैं आज फिर इस स्टेज से माध्यम से सभी वीर जवानों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अंत में केवल एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आज से 6-7-10 दिन पहले जो हमारे भारत की जो लेडी थी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने 93 साल की उम्र काट कर अपने जो है प्राण निछावर किए, जिनमें से 67 साल उन्होंने भारत के संगीत के प्रति उन्होंने अपनी सेवा निभाई है, मैं उनको भी स्टेज से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनका वो संगीत पूरे देश पूरे विदेश में पूरी जब तक ये दुनिया रहेगी अमर हो गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसीलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, भारत माता की जय। हम सभी मिलकर CRPF के उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज से लगभग 3 साल पहले जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था वहाँ पर हमारे CRPF के 40 जवान जो शहीद हो गए थे, मैं उन माओं को प्रणाम करता हूँ जिनके वो बेटे थे, क्योंकि जितने भी हमारे देश की फोर्सेस हैं चाहे हमारी यूनिफॉर्म अलग अलग हो किसी भी रंग की हो लेकिन हमारा मकसद एक ही है, वो है अपने देश के लिए मर मिट जाना। और हमारे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में आप खोल के देखें, जिस घर की जिस माओ के 5-5 बच्चे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, अगर उनके घर में और भी कोई छोटा बच्चा अगर आप उनसे पूछोगे आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो माएँ कहती हैं हम इनको भी हम फौज में भेजेंगी, क्योंकि यही हमारे देश का सम्मान है। और आने वाले टाइम में भी हम हमारी नई नई पीढ़ियां जो भी बच्चे इस संसार में आएंगे इस देश में जन्म लेंगे उनका एक ही मकसद होगा, भारत माँ के लिए मिट जाना और अपने तिरंगे में लिपट कर आना, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा मान है। और तिरंगे में लिपट कर आने वाली मौत तो किसी देशभक्त को मिलती है, वो बड़े नसीबों से मिलती है। तो ज़्यादा वक्त मैं ना लेते हुए एक छोटा ही सी मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये नए देश की नई पीढ़ी है, और हम राजगुरु भगत सुखदेव जैसे वीरों को मांगते हैं, और भारत माँ के दुश्मनों ज़रा औकात में रहना, हम गोलियों का जवाब बारूद से देना जानते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय। भाई युगल जी बताएं जो आज का आज समाज सेवा सोसाइटी पुंछ और समाज सेवा सोसाइटी के कार्यकर्ता और अलग अलग NGO ट्रस्ट और व्यापार मंडल के प्रधान प्लस यहाँ पर नायब सरपंच श्री कुमार जी भी यहाँ उपस्थित थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क प्राणी पूंछ में हमारे साथ हमारे प्रदीप कुमार जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का जो दिन है पूरे देशवासियों के आंखों में आंसू थे जब आज के ही दिन सुबह 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, CRPF का काफिला मूवमेंट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था, तब एक फजानी हमला हुआ पुलवामा में, तो कि पूरी देश की आंखों में आंसू थे। आज तीसरी बरसी 3 साल ख़त्म हो चुके हैं, चौथा रनिंग हुआ है, हम उस जवानों को जिन जवानों ने पुलवामा में शहादत दी है आज हम उनको हमने यहाँ मिलकर समाज सेवा सोसाइटी ने यहाँ पारे के बीच उनको श्रद्धांजलि दी है, हम उस सच्चे पिता परमात्मा से यही दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जो हमसे हमारे भाई युद्ध हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे,
घर परिवार में सुख शांति रहे, देश में शांति रहे। और हम यही चाहते हैं कि देश में आज के बाद ऐसा कोई दर्दनाक हादसा ना हो जिससे हमारे जवान जो हैं जिन्होंने यहाँ कुर्बानी दी है। उसके बाद मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये पूंछ के बालटोल एरिया से ये प्रार्थना है कि आपके इस 7-8 साल के कार्यालय के बीच भारत की भी जहाँ जहाँ भी आतंकवादी हमले हुए हैं आपने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। भारत का मनोबल देश के बीच विदेशों के बीच भी हमारा मनोबल, हमारी खासतौर हमारी भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्स का जितने बेल्ट फोर्सेज है उनका मनोबल बढ़ा है जब से यहाँ पर हिंदुस्तान के बीच बीजेपी गवर्नमेंट आई है। लेकिन हमारी एक मांग है कि यहाँ बहुत अरसे से यहाँ पर जो है हमारे जवान जो नौजवान साथी हैं जो कि फौज के भी सीआरपीएफ किसी भी बेल्ट फोर्स में जाने के लिए उत्सुक हैं, वो जाना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए यहाँ पर। उसके कारण यहाँ पर जो है बेरोजगारी भी हो रही है, लड़के हमारे ओवरेज हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है खासतौर पूंछ बालाटोल नेरी का बच्चा वो फौज में जाए, सीआरपीएफ में जाए ताकि देश की सेवा करे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है, एक गोली एक दुश्मन। जब ये हादसा हमारे देश में अक्सर होते रहते हैं लेकिन हम उस ऊपरवा से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत समय से हमारे देश में हादसा नहीं हुआ है। इसका यही एक कारण है कि जितनी भी हमारी सीमाएं हैं चाहे वो जम्मू कश्मीर की है, चाहे पूरे भारतवर्ष की सीमा है, चाहे वो चाइना बॉर्डर के साथ लग रही है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लग रही है, वहाँ पर हमारे जवान जो हैं चौकस खड़े हैं दिन रात, चाहे वो बर्फीला तूफान हो चाहे आंधी आए, लेकिन जवान हमारे जो हैं 24 घंटे जो हैं सक्षम खड़े हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी नहीं रहे, उनकी बदौलत देश ने ऐसे ऑटोमेटिक हथियार जो हमारे देश के पास नहीं थे वो हमने लिए हैं, जिससे हमारा डिफेंस जो है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन डिफेंस हमारा जो है बहुत ही शक्तिशाली हुआ है। हम किसी भी देश के साथ जो है लोह लेने के लिए हमारी सेना जो है 24 घंटे तैयार है। और मैं आपकी मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ जो कि आज शानदारी के समय आप बिना कीमती समय निकाल कर यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आए हैं। हमने सब ने मिलजुल करके शानदारी दी है उन शहीदों को, हम एक बार फिर उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।